अच्छा लग रहा है। एक बात कहूं आपसे? हाँ बोलो ना। एक अरसा हो गया हमने अपने घर में कोई खुशी का अवसर नहीं मनाया, लेकिन आज मना सकते हैं। आज? आज कोई त्योहार है क्या? अरे त्योहार से भी बढ़कर है, आज वीरेंद्र की सालगिरह है, 22वीं सालगिरह। अरे मैं तो भूल ही गया। देखो ना समय कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा हाँ, क्या सोचा है तुमने कैसे मनाएंगे हम उसका जन्मदिन? मैंने सोचा हम पूरी हवेली को सजाएंगे और उसके मन पसंद खाने की चीजें बनाएंगे और उसके लिए ढेर सारे तोहफे खरीदेंगे, लेकिन वीरेंद्र को इसका पता नहीं चलना चाहिए। मैं सरप्राइज पार्टी देना चाहती हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि वो घर में ही है, उसे पता चल ही जाएगा। उसका इंतजाम मैं कर लूंगा। वो कैसे? वो ऐसे कि उसे मैं किसी काम से फैक्ट्री भेज दूंगा, दिन भर उसे मसरूफ रखूंगा, शाम को जब वो घर लौटेगा तब उसे पता चलेगा कि उसके जन्मदिन की कैसे तैयारियां की है। ये ठीक रहेगा, बहुत अच्छा सोचा। आप एक काम कीजिए, आप अभी भेज दीजिए वीरेंद्र को, ताकि मैं तैयारियां फौरन शुरू कर सकूं। हाँ हाँ मैं उसे अभी रवाना कर देता हूँ। रमा तुझे पता है आज क्या है? आज बहुत बड़ा दिन है। आज? आज तो कोई त्योहार नहीं है। अरे त्योहार से भी बहुत बड़ा दिन है, तुम जानती हो वीरेंद्र जी का जन्मदिन है, और मैम साहब कह रही थी कि उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आज तक मैंने तो नहीं देखा कि इस हवेली में कुछ भी धूमधाम से मनाया गया हो। अच्छा चल बता कैसे मनाएंगे। हम ना इस हवेली को खूब सजाएंगे, मजेदार मजेदार पकवान बनाएंगे। सुन ये ना रास की बात है, किसी को बताना मत, और खास करके वीरेंद्र जी को तो इस बात की कोई खबर नहीं होनी चाहिए, समझ गई ना? हाँ हाँ समझ गई, लेकिन तुम भी जरा संभल के, वो मंगल जैसी हरकतें करता है ना, वैसा कुछ मत कर देना। धत ऐसे तो ना करूंगी मैं। सुनो आज वीरेंद्र का जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि हम जी मुझे मालूम है उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाना है ना। तुम्हें कैसे पता? मेम साहब इसके कहने का मतलब है कि अब जन्मदिन तो धूमधाम से ही मनाया जाता है, ऐसे बहुत जन्मदिन देखे इसने। किसके? ये जहाँ काम करती थी वहाँ के लोगों के भी तो जन्मदिन मनाया करते थे। अच्छा वो मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं लिस्ट बनाकर देती हूँ क्या क्या खाना बनने वाला है, लेकिन उससे पहले हॉल की सफाई शुरू करो जी, और सजाना भी शुरू कर दो, फूल वूल लगाना। रमा सबको क्यों बताया कि तुम्हें जन्मदिन के बारे में पता है? लेकिन तुमने ही तो कहा था कि वो। अरे बुद्धू हर चीज बतानी पड़ेगी क्या? भीम साहब ने मुझे नहीं बताया था, वो तो मैंने उनकी बातें सुन ली थी और तुझे आके बता दिया। ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना ये सब। अच्छा छोड़ चल बाजार चलते हैं। बाजार किस लिए? अरे वीरेंद्र जी के लिए तोहफा लेने के लिए। मैं पता है क्या दूंगी, अब एक बहुत अच्छा सा फोटो फ्रेम, या फिर मोजे का या रुमाल का डिब्बा। हाँ हाँ तुझे जो देना है दे देना, पर मैंने कोई खास तोहफा देना चाहती जो परसों तक उनके साथ रहेगा। चांदनी कहीं जा रही हो? अरे बापरे ये कहाँ से आ गया? अभी गाड़ी में बैठने की जिद करेंगे तो तुम लपक कर बैठना चाहिए। ये मैं क्यों जाकर बैठने लगी? मुझे कोई शौक नहीं है गाड़ी में बैठने का। अच्छा उन्हें ये नहीं बताना कि मैं मार के जा रही हूँ, तो फिर बताता हूँ। मैं फैक्ट्री की ओर जा रहा था, तो अगर तुम लोग मार्केट की ओर जा रहे हो तो तुम लोग को छोड़ सकता हूँ। मार्केट? नहीं नहीं हम मार्केट नहीं जा रहे, कहीं और जा रहे थे।
तो फिर कहाँ जा रहे हो? बता दो, वहीं छोड़ देता हूँ। अब वो हम नहीं बता सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्यों नहीं बता सकते? कोई खास जगह? अब जगह खास नहीं है, लेकिन बात राज की है। हाँ, राज की बात। तो मुझे अपना राजदार नहीं बनाओगी? रमा, तो मैं देर हो रही है ना, चलो जल्दी हम चलते हैं। तेरे पेट में ना कोई बात नहीं दिखती। बाबा निकल गया मेरे मुंह से, हाथ तो छोड़ दे। नहीं, तेरे तो जी बुलाएंगे तो फिर से रुक जाएगी। तुम्हें क्या हुआ इन दोनों को? क्या बात है मामा, घर में इतनी सजावट कैसे? किसी की शादी करवा रही हैं आप? अरे शादी भी होगी, पहले तुम्हारी उसके बाद वीरेंद्र। लेकिन आज तो हम वीरेंद्र की सालगिरह मना रहे हैं। बड़ा लकी है मेरा भाई, मुझे तो याद भी नहीं पड़ता कि आखिरी बार मेरी सालगिरह कब मनाई गई थी। लेकिन वीरेंद्र तो आपका लाडला बेटा जो ठहरा, भला उसकी सालगिरह मनाना कैसे भूल सकती हैं आप? आज खुशी का दिन है, ऐसी कड़वी बातें मत बोलो। बड़े भाई हो तुम वीरेंद्र, बड़े भाई का बर्ताव कर। बड़े भाई का बर्ताव? आप ही बता दीजिए क्या बर्ताव करना होगा मुझे। वो ये भी बताना होगा किसके बर्थडे पर क्या करते हैं, सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं, उसके लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर आओ तुम। मामा मुझसे ये चोचले और फॉर्मेलिटीज नहीं होती, वैसे भी बिजी हूँ शाम को मैं। सुनो, तुमने कहा था मेरी खातिर तुम अपने आप को बदलोगे, वादा किया था ना, इतने जल्दी भूल गए अपना वादा? अरे शाम को हमारा पूरा परिवार साथ होगा, तो तुम्हारा भी रहना जरूरी है, है? ठीक है मामा, देखूंगा अगर वक्त मिला तो आऊंगा। अरे बहुत खूबसूरती से सजाया है पूरे हॉल को। हम सबकी मेहनत है ये, खास करके चांदनी और रमा की। सुबह से जुटी हुई है दोनों ये शाम की तैयारियां। गुड। अरे इतना बड़ा केक कहां से मंगाया? कहीं से मंगवाया नहीं, ये भी घर पे बना है। ओह, चांदनी ने बनाया। वेरी नाइस। प्रेम साहब, वीरेंद्र जी नहीं आए अब तक? फैक्ट्री से निकल चुका है, बस पहुंचता ही होगा। ये लो आ गया। अरे इतनी सारी सजावट, इतना बड़ा केक किसके लिए? वो है सिर्फ तुम्हारे लिए। सालगिरह मुबारक। ओह गॉड मामा, थैंक यू। मैं तो भूल ही गया था कि आज मेरा बर्थडे भी है। लेकिन तुम्हारी मम्मी नहीं भूली, सालगिरह मुबारक हो। ये लो, मेरे और तुम्हारे डैडी की तरफ से हैप्पी बर्थडे। छोटे भाई सालगिरह मुबारक। खाली हाथ नहीं आया हूं, गिफ्ट लेकर आया हूं, वो भी एक ब्रांडेड घड़ी। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू। चलो ये काटते हैं। आओ। लाइट करेंगे कैंडल्स,
और आप लौट करेंगे। हाँ। लौट करो पहले। हाँ Happy birthday, dear Linda. Happy birthday to you. आप रहे रेडी दिन भर। अब वैसलीन टोटल मॉइस्चर के साथ डव सोप फ्री। रसोई में आज सबने मुझे बर्थडे पे विश किया लेकिन तुमने नहीं किया तो मुझे बर्थडे विश नहीं करो। हैप्पी बर्थडे। ऐसे नहीं हाथ रखो रखो। हैप्पी बर्थडे। क्यों? अच्छा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। केक पहले आप खाइए। ये कहते हैं जिसका बर्थडे होता है वो खुद केक नहीं खाता जो उसे बधाई देने आता है वो उसे खिलाता है अपने हाथों से। अच्छा मैं चलता हूँ। वेंस जी एक सेकंड। ये आपके जन्मदिन का तोहफा। अच्छा थैंक यू। क्या मैं इसे अभी यहीं खोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता है ब्लू तो मेरा फेवरेट कलर है। बहुत पसंद आई है शर्ट। अच्छा ये बात थी राज की तो मार्केट भागी भागी मेरे जन्मदिन का तोहफा लेने जा रही थी। चांदनी ये तोहफा मेरे लिए बहुत खास है और मैं जिंदगी भर इसे अपने साथ रखूंगा। वेलकम। बरसों बाद हमारे घर में एक फंक्शन हुआ और क्या खूब इंतजाम किए तुमने। वाह घर की सजावट से लेकर खान पान तक सब सब एकदम सही था। बरसों पुरानी यादें ताजा हो गई जब हमारे घर में मेहमान आया करते या जब हम होली और दिवाली मनाया करते थे। पूरे घर की सजावट किया करती थी खूब सारे पकवान बना करते थे और तुम खुद इसी तरह से सज धज कर मेहमानों की खातिरदारी किया करते। आपको सब याद है? अरे उन दिनों को कैसे भूल सकता हूं मैं। मुझे सुनकर इतनी खुशी हो रही है मैं आपको बता नहीं सकती। काश वो पुराने दिन वापस आ जाए और हमारे घर में ऐसे मौके बार बार आए। पुराने दिनों को तो वापस नहीं लौटाया जा सकता है क्योंकि जो गुजर गया सो गुजर गया लेकिन हाँ उन पुराने दिनों से बेहतर दिन जरूर आ सकते हैं। अरे हाँ तुम्हारे कहने पर नरेंद्र ने वहां आकर वीरेंद्र को उसके सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। अरे गले भी मिला उससे। बड़ा अच्छा लगा देख के बहुत अच्छा लगा। और बर्थडे का तोहफा भी दिया उसे। हाँ ये कमाल भी तुम्हारा ही है। चांदनी बहुत अच्छी लड़की लगन से काम करती है जैसे खुद का घर हो।
आप जरा अलग से उसे कुछ रुपए दे देना। अभी बुला के दे दूँ? नहीं, कल दे देना। ठीक है। इसे भी अभी बचना था, ये घंटी हमेशा गलत वक्त पे बजती है। उठा लीजिए, इतनी रात गए फोन है, कोई जरूरी काम होगा। चलो तुम कहती हो तो फोन भी उठा लेते। हेलो उपेंद्र जी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। मेरी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। आप प्लीज जल्दी आइए, किसी डॉक्टर को बुलाइए, वरना मैं इस कमरे में अकेली मर जाऊंगी। उपेंद्र जी, आप चुप क्यों हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपकी कसम, मेरी तबीयत बहुत खराब है। आप आ रहे हैं या नहीं? हाँ। आप बहुत परेशान लग रहे हैं, बताइए ना, कोई बुरी खबर थी? खबर अच्छी है या बुरी ये तो वहां जाने पर ही पता चलेगा। मैं समझी नहीं। वो बिजनेस के सिलसिले में मेरी बातचीत चल रही थी, वो फौरन मिलना चाहते हैं। फौरन यानी? अभी, मुझे अभी जाना होगा शिवानी। पर इतनी रात गए आप? हाँ, काम बहुत जरूरी है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ओके, ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा जल्दी। आप आ गए, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप आओगे। कैसे नहीं आता अनीता, तुम्हारा फोन आते ही मैं फौरन आ गया। रास्ता खराब था इसलिए पहुंचने में देर हो गई, पर ये सब कैसे हुआ? जब मैं गया था तो तुम तो अच्छी भली थी। मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। मैंने डॉक्टर को बुलाया था, हॉस्पिटल जाके सारे टेस्ट भी करवाए। मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है। तो इसका इलाज? इसका इलाज चाहिए कि मैं अबॉर्शन करवा लूं, लेकिन मैं अपना बच्चा खोना नहीं चाहती। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अनीता तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अनीता तुम फिक्र मत करो, डोंट वरी। शिवानी, क्या हुआ, आप लौट आए? मुझे लगा दो तीन दिन रोज बाद लौटेंगे। शिवानी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए। हाँ बेटा, मैं बताता हूँ। बताइए ना, क्या बात है? मेरा दिल घबरा रहा है। शिवानी, कल रात जो फोन आया था वो बिजनेस के सिलसिले में नहीं था। अनीता का फोन था वो।
बजाज आमंड प्रस्तुत करते हैं हम फिर मिलेंगे बजाज आमंड ड्रॉप्स 300% ज्यादा विटामिन ई सह प्रायोजक इंटरनेशनल ब्रीज और सनफीस्ट जीएपी नूडल्स द बेटर नूडल्स नीचे काकी घर में शौचालय कहाँ है बहू को